वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी व्हाइट मटन कोरमे की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया है। आपने बस यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ व्हाइट मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मटन 750 ग्राम। इसको मैंने धो के छन्नी में रख दिया था आधा घंटे के लिए और उसका सारा पानी जो है वो डिस्कार्ड हो गया है एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने मटन जो है वो बोनलेस लिया है। आप यहाँ पर बोन के साथ भी मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भर के दही डाला है, प्लेन दही है, खट्टा मीठा नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टेबल स्पून और उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रखना है कम से कम आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे। तब तक हम कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेवी की प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है खरबूजे के बीज 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून यहाँ पर ली है मैंने खसखस, और 8 से 10 बादाम ली हुई हैं जिन्हें मैंने भिगो दिया था और उनके छिलके उतार दिए हैं, और 10 से 12 यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं। इन सबको हमें ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास खरबूजे के बीज अवेलेबल ना हो तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, और ये बाकी की तीनों चीज़ों को मिलाकर भी आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका एक फाइन सा पेस्ट यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं हम ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर, और अब डालेंगे थोड़े से खड़े गरम मसाले जैसे कि 2 बड़ी इलायची, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 तेज पत्ता, और साथ में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून शाहजीरा जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें डालेंगे प्याज, तो ये 2 मीडियम साइज की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। और इसके बाद हमें प्याज को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अच्छा, प्याज को फ्राई हमने बस इतना करना है कि प्याज जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि हम व्हाइट मटन कोरमा बना रहे हैं तो अगर कलर चेंज होगा प्याज का तो हमारे ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पे 5 हरी मिर्च हैं जिसका मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया था, और ये जो हरी मिर्च है ना मैंने जिस जार में बादाम काजू वगैरह पीसा था उसी में पीसा है, तो इसलिए इसकी रंगत जो है ना वो ऐसी दिख रही है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें यहाँ पे गोश्त को थोड़ा सा भून लेना है। जैसे हम गोश्त को भूनना स्टार्ट करेंगे तो गोश्त जो है ना वो अपना पानी रिलीज करेगा, तो उसी पानी में हमें इसको गला लेना है। बस 1/2 कप के करीब जो पानी है मैंने एक्स्ट्रा मिलाया है ताकि जब हम इसमें प्रेशर लें तो गोश्त जो है ना वो नीचे से लगे नहीं। तो बस हम इसकी लिड को लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 3 विसिल आ जाने देंगे, उसके बाद गैस को बंद कर और इसके प्रेशर को खुद से रिलीज हो जाने देंगे। तो यहाँ पर जो है 3 विसिल आने के बाद जो प्रेशर है कुकर का वो खुद ब खुद रिलीज हो गया था, तो हम लिड को ओपन कर लेंगे और फिर से गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर गोश्त में बहुत ज्यादा पानी है तो हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसके पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। इसी बीच में हम इसमें डाल देंगे ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था काजू बादाम खरबूजे खसखस का, और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने लिड से 1/2 कवर किया है ताकि इसका जो पानी है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो पूरा 8 से 10 मिनट के अंदर ना इसका पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई भी हो गया और ये जो ग्रेवी है ना वो अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गई। आप देखिए इसका ग्रेवी का टेक्सचर। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने 1/2 कप लिया हुआ है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं है, बस हम इसमें हरा धनिया से इसे गार्निश कर देंगे और बस इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्रीम में, और ये हमारी व्हाइट मटन कोरमे की जो रेसिपी है ना वो तैयार हो गई है। बस हम इसे फटाफट से सर्व कर लेंगे, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करेंगे और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल है इस रेसिपी को बनाना। तो आने वाली ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को झटपट बनने वाली रेसिपी है। साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।